वाक्यों। तो देखें, चारों प्रकार के वाक्य मैंने बताए और मैंने ये बताया ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये इंटेरोगेटिव है, ये नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। यहां एक बात और समझ लें आप, अंग्रेजी में एक सेंटेंस होता है बच्चों असर्टिव सेंटेंस, एक शब्द होता है असर्टिव सेंटेंस, देखना ए डबल एस ई लिखो, एस ई आर टी आई वी। असर्टिव सेंटेंस जो है उसको बच्चे अफर्मेटिव सेंटेंस समझते हैं, वास्तव में ऐसा नहीं है। ध्यान से सुनो, असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं इनको बच्चे समझते हैं कि साहब अफर्मेटिव और असर्टिव एक ही होते हैं क्या? नहीं, ये दोनों एक नहीं होते हैं। असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव जिसको कि पॉजिटिव भी कहते हैं, और दूसरा होता है नेगेटिव। ये बात समझ लें, असर्टिव सेंटेंस का मतलब स्वीकारात्मक वाक्य या साधारण वाक्य होता है, और इसके दो प्रकार होते हैं सकारात्मक और नकारात्मक, एक अफर्मेटिव जिसे पॉजिटिव भी कहते हैं और दूसरा होता है नेगेटिव। ये तो ही साधारण बात। ओके, तो इन चारों वाक्यों को पढ़ के बच्चों आपने ये जाना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसके बारे में आपको बताया कि उसके अंत में ता है, ती है, ताऊ, ती हूं, ती है आता है, साधारण बात। दूसरी बात बताई कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो होता है जिसमें या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या उसमें ऐसे यस जुड़ा हुआ होता है, दूसरी बात। और तीसरी बात यह है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य को जब भी हम इंटरोगेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव में चेंज करते हैं तो सहायक क्रिया के रूप में डू और डज का प्रयोग होता है, डू और डज का प्रयोग होता है। और एक बात जरूरी और यह भी है कि यहां तो आपको कोई समस्या नहीं आई, परंतु अगर इस वाक्य को मैंने यूं कहा होता कि वह एक पत्र लिखता है, लिखना एक बार कि वह एक पत्र लिखता है, अगर इस सेंटेंस